साथियों, अभी मैं एंटर कर चुका हूँ कोटा 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में। और यहाँ पे अभी दशहरे में आपको जो भी तमाम स्थिति है, झूले है, फूड मार्केट है, तमाम जो एरिया है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिले। जैसे ही आप इस गैलरी में एंटर करते हो तो गेट नंबर 5 से सी राम द्वार और सीधे ही राम रंगमंच के पीछे आप देख पाओगे। यहाँ पे काफी अच्छी लाइटिंग की हुई है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको लाइटिंग दिख जाएगी। और यहाँ पर लेफ्ट साइड भी काफ़ी सारे यहाँ पर झूले हैं और जो लगे हुए हैं फिलहाल, अभी ये भी चालू हो जाएंगे कल में, क्योंकि अभी तमाम जो कुछ साइड हैं या काफ़ी सारे झूले, उनमें से कुछ झूले जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और देखो भाई कितनी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग की हुई है। और जैसे ही यहाँ पे सीधे ही हम आते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पर जो कि आइसक्रीम यहाँ पे मिल रही है, जो कि यहाँ पे जो दुकान लगी हुई है यह है राधिका सुपर सॉफ्टी के नाम से। सीधे ही आप आओगे, कुछ लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं आइसक्रीम का। और थोड़ा सा आगे चलते ही आप देख पाओगे यहाँ पे जो कि तमाम जो लाइनिंग वगैरह की हुई है, यहाँ पे शायद दुकानें लगेगी। और यहाँ पे कुछ आइसक्रीम की दुकानें और भी हैं। और इसी के साथ तमाम जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। इस कोटा दशहरा 2024 में कुछ विशेष जो कि बातें हैं वो यह है कि इस बार तमाम जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही काफ़ी अच्छे अच्छे प्रत्येक दिन जो कि कार्यक्रम होंगे। और अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे वो एरिया जहां पे रामलीला होती है, और यहीं पे जो कि काफ़ी जो कि 9 दिनों तक रामलीला का कार्यक्रम होगा। ये देख लीजिए श्री राम रंगमंच, यहीं पे ही जो कि रामलीला कार्यक्रम होगा। और उधर की साइड देखोगे सामने ही कुछ झूले जो कि अभी स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये हट कितनी प्यारी लग रही है।